हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेस्ट एजुकेशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश के कुछ कॉमन फ्रेजेस जो आप यूज़ कर सकते हो फॉर सेल्फ इंट्रोडक्शन। सो हिंदी में भी ये फ्रेजेस आपको काम आने वाले हैं एंड ऑल्सो इंग्लिश में। बहुत सिंप्लीफाई करके मैंने कोशिश किया है कि आपको मैं माई सेल्फ प्रोवाइड कर सकूँ। एंड इसमें कुछ ऐसे कॉमन सेंटेंसेस हैं जिसे आप अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं फॉर कन्वर्जेशन। जैसे कि आप फर्स्ट देख सकते हो, माई नेम इज़ शिवा। सो यहाँ पर आप अपना नाम लगा सकते हो, मेरा नाम, एंड फिर जो भी आपका नाम होगा वो। सो बहुत सिंपल सेंटेंस है, यू कैन यूज़ दिस फॉर इंट्रोडक्शन। एंड इंग्लिश में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस डे टू डे लाइफ में यूज़ करोगे, उतने ही आपको इंग्लिश की लर्निंग फास्ट होगी, फ्लुएंसी आएगी। सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई हैव टू सिस्टर्स एंड वन ब्रदर, यानी कि मेरे दो बहन और एक भाई है। यहाँ पर आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, लाइक आई हैव वन ब्रदर अगर सिर्फ आपका एक भाई है, आई हैव टू सिस्टर्स सिर्फ आपके अगर दो बहनें हैं। सो कुछ इस तरीके से आप इस फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये भी बहुत कॉमन है, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। आप जितने साल भी ओल्ड हैं उतने साल आपको यहाँ पर लगा देना है एंड आप यहाँ पर बोल सकते हो। सो यू नो मोस्टली जब आप जॉब वगैरह पे जाते हो एंड आपको पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो ये सेंटेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे आप किसी भी जॉब के लिए जाएँ, चाहे आपका इंटरव्यू हिंदी में ही क्यों ना हो, बट अगर उसमें आप दो चार सेंटेंस अगर इंग्लिश के बोलते हो तो आपका इंप्रेशन बहुत ही अच्छा जाता है। माई फादर इज़ एन इंजीनियर। यहाँ पर सेंटेंस में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर एन होना चाहिए। सो मेरे फादर क्या काम करते हैं, आप बेसिकली यहाँ पर वो बता रहे हो। माई फादर इज़ अ मैकेनिक, माई फादर हैज़ अ शॉप, कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस को चेंज करके बता सकते हैं। आई लिव इन चेन्नई। अब यहाँ पर मैंने चेन्नई सिटी का नाम बताया है, आप जिस किसी भी सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में, टाउन में, विलेज में रहते हो वहाँ का नाम आप लगा सकते हो, लाइक आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन दिल्ली, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिक्स्थ फ्रेज, माई एल्डर सिस्टर इज़ अ लेक्चरर। सो आपकी बड़ी बहन क्या करती है, आप यहाँ पर वो बता रहे हो। आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, माई एल्डर ब्रदर, एल्डर यानी कि बड़ा। सो माई एल्डर ब्रदर इज़ एन इंजीनियर, माई एल्डर ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, माई एल्डर ब्रदर इज़ अ टीचर, माई सिस्टर इज़ अ हाउस कीपर, जो भी उनका प्रोफेशन होगा उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर जो सेवन सेंटेंस है वहाँ पर अपने भाई या बहन का नाम इंट्रोड्यूस कर रहे हो, साई इज़ माई यंगर ब्रदर। सो यंगर यानी कि छोटा। सो लक्ष्मी इज़ माई यंगर सिस्टर, कुछ इस तरीके से आप नाम बता सकते हो। यहाँ पर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, इवन ऑफिस गोइंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करेंगे देखिए, आई गो टू स्कूल बाय साइकिल, ओके, आई गो टू ऑफिस बाय मोटरसाइकिल, समथिंग लाइक दैट, यू कैन यूज़ दिस सेंटेंस। आई गेट अप 4 o'clock in the morning, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, आई गेट अप 5 o'clock in the morning, my aim of life is to become a policeman, मेरे जीवन का उद्देश्य पुलिस बनना है। यहाँ पर आप अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, the aim of my life is to become a CA, the aim of my life is to become a teacher, my younger sister is studying, यानी कि मेरी छोटी बहन पढ़ रही है, माई यंगर ब्रदर इज स्टडिंग, माई यंगर ब्रदर इज अ टीचर, आप उनके प्रोफेशन के बारे में बता रहे हैं। सेकंड देखिए, ट्वेल्थ स्टेटमेंट, माई नेशनल लैंग्वेज इज हिंदी एंड मदर टंग इज तमिल। यहाँ पर आप अपने भाषा के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो, माई नेशनल लैंग्वेज इज़ हिंदी, माई मदर टंग इज़ मराठी, समथिंग लाइक दिस यू कैन चेंज इट आउट। आई एम एन इंडियन, आई लव माई एंटायर सिटीजन, यानी कि मैं एक भारतीय हूँ और मुझे अपने सारे देशवासियों से प्यार है। आई विश टू बी ऑनेस्ट टू एवरीबडी, यानी कि मैं हर किसी के साथ में ईमानदार बना रहना चाहता हूँ। इवन दिस यू कैन यूज़ फॉर इंटरव्यूज़। आई विश टू बी ऑनेस्ट विथ माई वर्क, यानी कि मैं अपने काम के साथ में ईमानदार बना रहना चाहता हूँ। बट आई नो हिंदी ऑल्सो, तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, जैसे कोई भाषा आपको थोड़ी बहुत आती हो
तो आप बोल सकते हो बट आई नो गुजराती ऑल्सो, बट आई नो मराठी ऑल्सो, बट आई नो बंगाली ऑल्सो, समथिंग लाइक दैट. यू कैन चेंज एंड यूज फॉर योर बेटर इंटरव्यू. आई लव माई यंगर एंड रिस्पेक्ट माई एल्डर्स, यानी कि मैं अपने से छोटों से प्यार करता हूँ और बड़ों का आदर करता हूँ. माई मदर फादर एंड सिस्टर आर लिविंग हियर, यानी आप अगर किसी को बता रहे हो अपने घर के बारे में तो आप बोल सकते हो कि मैं माई मदर फादर सिस्टर आर लिविंग हियर, यानी कि एक ही घर में हम सारे लोग रहते हैं एक साथ में मिलजुल कर. इट इज़ इन चेन्नई मेट्रोपॉलिटन सिटी, आप अपने घर के बारे में बता रहे हो तो आप बोल सकते हो इट इज़ इन पालघर डिस्ट्रिक्ट, इट इज़ इन मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी, इट इज़ इन कोलकाता मेट्रोपॉलिटन सिटी. ही लिव्स इन बैंगलोर, आप अपने किसी रिलेटिव के बारे में या अपने भाई बहन के बारे में बता रहे हो तो आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हो. बहन के बारे में होगा तो शी, ब्रदर होगा तो ही, यानी कि मेल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ही लगाते हैं प्रोनाउन को, अगर फीमेल के बारे में बात करते हैं तो शी लगाते हैं. तो शी लिव्स इन मुंबई, शी लिव्स इन सूरत. इट इज़ माई हाउस, आप अपने घर को दिखा रहे हो, अपने घर को रिफ़र कर रहे हो तो ये सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हो. इट इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है. माई एल्डर ब्रदर इज़ नॉट लिविंग हियर, मेरे घर में, यानी कि आप बता रहे हो कि मेरे घर में मेरा बड़ा भाई नहीं रहता है, वो कहीं और जॉब कर रहा है. माई मदर प्रिपेयर्स फूड, यानी कि मेरी माँ खाना पकाती है या खाना बनाती है. ही कम्स वंस इन अ मंथ, अगेन आप अपने फादर के बारे में, अपने एल्डर ब्रदर के बारे में, या अपने छोटा भाई जो है कहीं दूर रहकर पढ़ रहा है तो आप बोल सकते हो जैसे कि साई कम्स वंस इन अ मंथ, यानी कि मेरा छोटा भाई महीने में एक बार घर आता है. देयर आर फोर रूम्स इन माई हाउस, अगेन आप अपने घर के बारे में बता रहे हो तो यहाँ डिफर करता है, आप चेंज कर सकते हो. देयर आर फोर रूम्स एंड वन हॉल इन माई हाउस, देयर आर टू किचन्स इन माई हाउस. ही गोज़ टू बाज़ार एंड बाय थिंग्स, अगेन आप अपने फादर के बारे में बता रहे हो तो बोल सकते हो ही गोज़ टू बाज़ार, यानी कि वो मार्केट जाते हैं. यहाँ पर हम मार्केट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश वाला, बट आपके कन्वेंशन के लिए मैंने हिंदी वर्ड यूज़ किया है ताकि स्लोली एंड स्लाली आप बोल बोलकर प्रैक्टिस करते हुए इंग्लिश वर्ड्स तक आएँ. रमेश इज़ अ सर्वेंट, अगेन आप घर में अगर कोई काम कर रहा है, आपका कोई सर्वेंट है तो आप उनके बारे में बता रहे हो. दैट इज़ लॉर्ड शिवा टेम्पल, यानी कि वो भगवान शिव का मंदिर है. वहाँ पर आप किसी और भी गॉड का बता सकते हो आपके घर के आसपास जिनका भी होगा. अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन से द सेंटेंस. I read newspaper in the morning and continue my school work. I read magazine, magazine पढ़ते हो तो magazine, novels पढ़ते हो तो novels, या फिर I read my textbooks in the morning and continue my school work. There is a cinema theater near my house. आप किसी को बता रहे हो अपने घर के बारे में, अपने घर के address बता रहे हो तो आप reference दे रहे हो. There is a cinema, या फिर इसके अलावा There is a playground near my house. कुछ इस तरीके से आप चेंज करके यूज़ कर सकते हो. There is also a temple in front of my house. मेरे घर के सामने एक मंदिर भी है. So these were 30 common sentences which you can use. And I hope आप इन sentences का यूज़ करोगे. At least एक sentence आप डेली अगर प्रैक्टिस करेंगे तो contribute करेगा आपके इंग्लिश के फ्लुएंसी में. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल के साथ में. चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको और भी कैसे वीडियोस चाहिए इंग्लिश को सीखने के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़.